हेलो बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर टू की के क्वेश्चन नंबर नाइन से लेकर सेवनटीन तक इससे पहले वाले क्वेश्चन आपको प्ले में मिल जाएंगे तो हमें प्रूफ करना है टेन इनवर्स वर्स रूट एक्स इज टू हाफ कॉस इनवर्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स बिलोंग्स टू इंटरवेल जीरो से वन तो इस पूरी चीज को प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हम एक्स की सब्सटीट्यूशन करेंगे ठीक है एक्स को किसके इक्वल रखेंगे

जो कि इसके साथ फिर सॉल्व हो सकता है ठीक है तो सब्सटीट्यूशन आपको समझ आई रूट एक्स यहां से tan x. इतना आपको हो गया tan x. Okay, आगे बढ़ते हैं अब एच एस को सॉल्व करूंगा यानी कि इसको तो जैसे कि हमने देखा कि टेन इनवर्स रूट एक्स तो ठीटा के इक्वल है तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह एल एच एस में ठीटा लिख सकता हूं और अब आर एच एस में भी अगर मैं थीटा लिया है तो प्रूव हो जाएगा तो आर एच एस में जगह में जगह स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स की जगह आपका फार्मूला बन गया है तो इसकी जगह हम कॉस टू थीटा लिखेंगे कॉस कैंसिल होगा टू थीटा बच जाएगा टू थीटा का टू इस टू से कैंसिल होगा थीटा एल एच एस बी थीटा आर एच एस बी ठीटा प्रूव हो गया है कि दोनों साइड्स इक्वल है ठीक है तो बड़ा सिंपल सा प्रूव हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर टेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट वन प्लस स्क्वायर रूट वन माइनस साइन एक्स और स्क्वायर रूट वन प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस साइन एक्स शो कीजिए कि एक्स बाय टू के बराबर है करने की टेक्निक क्या है आपको दिख भी रहा होगा कि जो ये अंदर वाली टर्म है इसको करना है आपको रैशनलाइज इस टर्म को आपको करना है रैशनलाइज ठीक है रैशनलाइज करने का मतलब जो नीचे वाली टर्म है नीचे वाली टर्म उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई तो बीच में जो नेगेटिव है वो चेंज करके यानी कि प्लस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा देखिए रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स और इधर है रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस रूट वन माइनस साइन एक्स सेम ही है ये और ये दोनों सेम है तो फिर हो जाएगा होल स्क्वायर न्यूमरेटर में हो जाएगा होल स्क्वायर डेनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर अब ए स्क्वायर यानी इस रूट का स्क्वायर इस रूट का अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ए स्क्वायर माइनस अब इसका स्क्वायर इस रूट का स्क्वायर फिर इसका भी स्क्वायर करोगे तो इसका भी रूट हट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर क्योंकि दोनों टर्म सेम है तो उनका होल स्क्वायर हो गया आगे बढ़ते हैं तो ऊपर जो होल स्क्वायर हुआ है बेटे ए प्लस बी होल स्क्वायर उसको खोलते हैं ए स्क्वायर यानी इस टर्म का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा फिर बी स्क्वायर यानी टर्म का स्क्वायर इसका भी रूट हट जाएगा प्लस टू इंटू ए इंटू बी एट इज रूट वन प्लस एक्स इंटू बी रूट वन माइनस साइन ठीक है, डेनोमिनेटर में क्या आएगा डेनोमिनेटर में वन से कटा वन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस साइन एक्स डेनोमिनेटर में बना टू साइन अब देखिएगा पर पर क्या है इन टर्म्स को। रूट के अंदर वन प्लस साइन और वन माइनस साइन इन टू हो रहे हैं तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स अब वन स्क्वायर को तो हम वन ही लिखेंगे ऑब्वियसली ये yes? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस्क्वायर एक्स कॉस्टर एक्स का होता है रूट कॉस एक्स तो जब आपने इतने पार्ट को सॉल्व किया तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया रूट में जो कि कॉस्क्वायर एक्स का रूट यानी कॉस एक्स हो जाएगा तो इसकी जगह मैं कॉस एक्स लिख दूंगा तो यह आएगा टू कॉस एक्स और यहां न्यूमरेटर में साइन से साइन कटा तो वन प्लस वन टू और डिनोमिनेटर में टू साइन एक्स आई होप इतना तक आपको समझ आ गया टू कॉमन लेना है बेटा वन प्लस कॉस बचेगा और नीचे के टू से काट देना है तो वो कॉट इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स यहाँ तक आप पहुंच गए अब हमेशा की तरह हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं कि वन प्लस कॉस है टू कॉसक्वायर एक्स बाई टू और साइन एक्स है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स तो वही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वन प्लस कॉस की जगह हमने लगाया फार्मूला टू कॉसक्वायर एक्स बायू और साइनिक्स की जगह हमने फार्मूला लगाया टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स ठीक है तो टू से कैंसल हुआ टू एक कॉस से एक कॉस कट गया और कॉस बाय साइन आपके पास बचा है कॉस बाय साइन होता है कॉट तो ये आ गया कॉट एक्स बाय टू बाहर पहले ही कॉट इन था तो कॉट इन से कॉट कटेगा और सिर्फ एक्स बाय टू आपका बच जाएगा तो आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर टेन का ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन टेन इनवर्स स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स प्लस स्क्वायर एक्स प्रूफ करना है कि फाइव बाई फोर माइनस हाफ कॉस इन एक्स के बराबर है प्रूफ करना है तो क्या करेंगे हम एक्स की जगह पुट करेंगे कॉस्टू थीटा लॉजिक क्या है लॉजिक बस हर सब्सिट्यूशन का ये होता है कि जब आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ठीक है तो वन प्लस कॉस्टू थीटा अगर आप पुट करेंगे तो आपको टू कॉस्वायर थीटा मिलेगा वन माइनस कॉस्टूठी में सिर्फ इस कॉस को उठाया और एक्स के पास ले गए तो तो और अब इस टू को उठाया और डेनोमिनेटर में ले गए तो थीटा हो गया कॉस इनवर्स एक्स डिड बाय टू तो थीटा की वैल्यू आ गई जो कि बाद में यूजफुल रहेगी और आपका आंसर भी इससे आएगा ठीक है अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स की तो स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स में अगर एक्स की जगह आप कॉस टू थीटा पुट करेंगे तो वन प्लस कॉस टू ठीटा होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा जिसका स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट टू तो रह जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा बचेगा इसी तरीके से स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस टू ठीटा करेंगे तो कॉस टू थीटा वन माइनस कॉस टू ठीठा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा जिसका आप स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट टू तो रह जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा बचेगा ठीक है बेटे तो जहां पर भी आपको रूट वन प्लस एक्स दिखता है वहां पर आपको रूट टू थीटा पुट करना है और जहां रूट वन माइनस एक्स दिखता है वहां आपको रूट टू साइन थीटा पुट करना है तो यहां आएगा रूट टू थीटा माइनस रूट टू साइन अपॉन रूट टू थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा आई होप यहां तक क्लियर है इसके आगे ऊपर नीचे रूट टू से डिवाइड कर देते हैं ठीक है तो ऊपर नीचे रूट टू से डिवाइड तो यहां बचेगा कॉस्टीटा माइनस साइन थीटा और यहां बचेगा कॉस्टिटा प्लस साइनटीटा जब ऊपर नीचे रूट टू से डिवाइड कर इसके आगे का स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपने पहले भी देखा हुआ है कॉस्टिटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस्टिटा प्लस साइन थीटा को कैसे सॉल्व करना है ऊपर कॉस्ट से डिवाइड करना है और नीचे भी कॉस से डिवाइड करना है ठीक है तो कॉस्टिटा बाई कॉस्टिटा वन हो जाएगा और साइन थीटा बाय कॉस्टिटा टेन हो जाएगा इसी तरीके से कॉस्टिटा बाय कॉस्टिटा वन हो जाएगा और साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा बेनिफिट बेनिफिट ये है देखिए टेन इनवर्स वन को ए बोल रहे हैं टेन थीटा को बी कह रहे हैं तो टेन इनवर्स ए माइनस बी टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी ए वन है तो ए इंटू बी टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी किसके बराबर होता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी के तो मैंने लिख दिया टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा क्लियर हुआ अब आगे टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे थीटा रह जाएगा और टेन इनवर्स वन टेन की वैल्यू वन कब आती है फाइव बाई फोर पे तो थीटा की जो हमने वैल्यू निकाली थी शुरू में जिससे मैंने कहा था आपका आंसर आएगा वो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे हाफ कॉस इनवर्स एक्स तो यहाँ x. Answer, आ गया पाई बाई फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स फाइनल आंसर आपका आंसर आ गया है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है अभी रिसेंटली पेपर में भी आया ऑल इंडिया सी में तो शो करना है कि 9 पाए बाय एट माइनस नाइन बाय फोर साइन इनवर्स 1 बाय थ्री बराबर है 9 बाय फोर साइन इनवर्स टू रूट टू बाय थ्री ठीक है बेटे तो एलएचएस लेकर चलेंगे और उससे आरएचएस लाएंगे तो एलएचएस में मैंने 9 पाए बाय और माइनस नाइन बाय इनवर्स वन बाय में नाइन बाय ले लिया यहाँ से नाइन गया फोर गया तो बच गया π बाई टू माइनस तो यहाँ से नाइन बाई फोर गया बच गया साइन इनवर्स वन बाई थ्री तो ये आपका एल एच एस है ठीक है अब 90 माइनस साइन इन x, एक्स कॉस इनवर्स एक्स होता है फार्मूला है नाइन्टी माइनस साइन इन x एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स पहले भी देखा है नाइन्टी माइनस साइन इन एक्स को हम लिख देंगे कॉस इनवर्स एक्स यानी कॉस इनवर्स वन बाई थ्री तो अब आपके पास है नाइन बाय फोर कॉस इनवर्स वन बाई थ्री अब आगे एक बार आपके पास ये आ गया नाइन बाय फोर कॉस इन्वर्स वन बाई थ्री आपको यहाँ तक पहुँचना है साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री लाना है तो आप चाहेंगे कि ये कॉस इनवर्स वन बाई थ्री को चेंज किया जाए साइन इनवर्स में ठीक है तो जैसा हम पहले भी सीख चुके हैं कॉस इनवर्स वन बाय थ्री को हमने एक्स लेट किया कॉस इनवर्स को राइट right भेजेंगे तो कॉस एक्स इज्कवल टू वन बाई थ्री हो जाएगा अब अगर कॉस एक्स आ गया तो साइन एक्स का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट वन माइनस कॉसक्वास यानी कि स्क्वायर रूट वन माइनस राइट स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर वन बाई थ्री का स्क्वायर हुआ वन बाय नाइन एल्शियम लेंगे नाइन माइनस वन एट बाई नाइन अब स्क्वायर रूट नाइन तो थ्री हो गया और स्क्वायर रूट एट हो गया टू रूट टू तो आपका आंसर है टू रूट टू बाई थ्री तो साइन एक्स आया आपका टू रूट टू बाई थ्री जिसमें साइन को आप उठाकर राइट में भेजेंगे तो एक्स आ जाएगा साइन इन टू रूट टू थ्री तो आपने देखा कि कॉस इनवर्स वन बाय थ्री जो एक्स के बराबर था अब साइन इनवर्स टू रूट टू बाई थ्री एक्स के बराबर है यानी कि आप कॉस इनवर्स की जगह इनवर्स पुट पुट कर सकते हैं और पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन तो अब जो भी क्वेश्चन है इसमें प्रूव दैट नहीं है इसमें सॉल्व करना है यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है इन में। पहला क्वेश्चन तो पहला काम मैं करूंगा का फार्मूला लगा दूंगा क्या है, A का x होता है x x x, जो भी यह है उसका डबल अपॉन वन माइनस एक्सक्वायर तो अब यहां पर यह एक्स की तरह आपको लेना है ठीक है टू टेन इनवर्स एक्स तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स ठीक है अपॉन वन माइनस ये एक्स स्क्वायर एक्स की जगह कॉस x और राइट right साइड में कॉसिकेंट को मैंने वन बाय साइन लिख दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं अब ये प्रूव दैट नहीं है कि एल एच एस अलग आर एच एस अलग सॉल्व करेंगे एक साथ करना है तो दोनों तरफ आप टेन इनवर्स कैंसिल कीजिए और यहाँ बचा टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है और इधर टू बाई साइन एक्स दोनों तरफ टू कैंसिल कीजिए दोनों तरफ एक एक साइन कैंसिल कीजिए तो लेफ्ट में आपके पास बचा कॉस बाय साइन जो है कॉटिक्स और कॉट हो गया वन कॉट वन कब होता है जब एक्स पाई बाय फोर होगा टेन भी वन पाई बाय फोर पे होता है कॉट भी वन पाई बाय फोर पे तो एक्स की वैल्यू आपने पाई बाय फोर फाइंड आउट कर अगला क्वेश्चन है फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स इज हाफ एक्स तो ये जो अपॉन का टू है पहले मैंने इसको उठाया और एल एच एस में भेज दिया टू टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस का फिर से फार्मूला यूज करेंगे अभी थोड़ी देर पहले भी किया था वही फार्मूला है तो फार्मूला है टू टेन इनवर्स ए होता है अभी ए कह रहा हूं इस पूरे को ठीक है तो टेन इनवर्स टू इन अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर कोई प्रॉब्लम नहीं राइट right साइड में टेन इनवर्स एक्स दोनों तरफ टेन इनवर्स कैंसिल कर दीजिए और एलएचएस में थोड़ा सॉल्व करने को है टू इंटू वन इज टू टू इंटू एक्स इज एक्स करेक्ट यहाँ पर अपॉन में वन प्लस एक्स होल स्क्वायर और राइट right साइड में जो एक्स था वो इज अब ये ए बाय बाय सी बाई डी ऐसा आ गया है तो ऐसे केस में सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर जाती है मल्टीप्लाई होने और ये वाली टर्म यहां जाती है मल्टीप्लाई होने ठीक है तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को सबसे ऊपर और जो ये ये था इसको वन प्लस एक्स के पास तो ये पूरी चीज है किसके बराबर ये पूरी चीज फोर एक्स के बराबर है कैसे आप कह सकते हैं देखिए फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इजक्ल टू फोर ए बी ठीक है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इजक्ल टू फोर ए बी आप चाहे तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वन प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू फोर इंटू वन इंटू एक्स सो फोर इंटू वन इंटू एक्स मीन्स फोर एक्स ठीक है ना तो इसलिए मैंने उसको फोर एक्स लिखा है यहाँ पर ओके तो ये जो फोर एक्स है ये वन प्लस एक्स में मल्टीप्लाई अभी देखो क्या है इधर वन प्लस एक्स है इधर वन प्लस एक्स होल स्क्वायर है एक वन प्लस एक्स से एक वन प्लस एक्स हो जाएगा तो ऊपर बचेगा आपके पास टू माइनस टू एक्स राइट इसमें टू कॉमन ले लीजिए तो टू माइनस टू एक्स में टू कॉमन ले लिया टू इंटू वन माइनस एक्स और वो जो टू है ना उसको जो नीचे फोर एक्स है उसके फोर से कैंसिल कीजिए तो कैंसिल करने पर टू टू ज फोर नीचे टू एक्स बचेगा जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर वन माइनस एक्स बचेगा और वन प्लस एक्स बचेगा राइट साइड में एक्स है नेक्स्ट स्टेप ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज वन माइनस स्क्वायर ठीक है और ये राइट right में भेजावायर अब ये माइनस राइट right में आया माइनस एक्सक्वायर राइट में आके हो गया प्लस एक्स्वायर टू एक्सक्वायर प्लस एक्स्वायर इज थ्री एक्सक्वायर थ्री एक्सक्वायर वन आया एक्स स्क्वायर वन बाई थ्री और स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट कीजिए प्लस माइनस के साथ ये आपका एक्स आ गया ठीक है क्वेश्चन में

टेन इनवर्स को उधर ले गए तो टेन वाई बराबर है एक्स के एक्स को मैंने एक्स बाय लिखा तो आप देखिए कि टेन होता गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो एक्स परपेंडिकुलर है और बेस वन है तो यहां से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दैट इज वन हाइपोटेन्यूज निकालने का पर्पज ये है कि साइन वाई जब हम निकालेंगे जैसे टेन वाई तो एक्स था साइन वाई क्या होगा पी अपॉन एच तो पी तो है एक्स और एच है लेफ्ट में ही छोड़ा साइन को ले गया राइट right में तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन इनवर्स एक्सक्वास के बराबर था वो वाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्सक्वायर प्लस वन के बराबर है यानी कि अब मैं इस टेन इनवर्स एक्स की जगह साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्सक्वायर प्लस वन यूज कर सकता हूं तो आप क्या करेंगे हम जो ये क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स एक्स इसमें टेन इनवर्स एक्स की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट स्क्वायर प्लस वन साइन से साइन इनवर्स कटेगा और जो बचेगा वो आपका फाइनल आंसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैंने देखा है बच्चों को ये मेमोराइज नहीं होता क्वेश्चन पर ईजी बहुत है देखेगा मेथड देखिएगा तो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स इजक्ल टू पाई बाई टू फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स सबसे पहले मैं ये साइन इनवर्स वन माइनस एक्स को ले गया राइट right साइड में तो राइट right साइड में ये बन गया पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वन माइनस एक्स और लेफ्ट में ये माइनस टू साइन इनवर्स एक्स एज इट इज तो इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स होता है कॉस इनवर्स पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स होता है कॉस इनवर्स तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स जो लेफ्ट में वो, है वो एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं अब इस साइन इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए बाई तो साइन इनवर्स एक्स को वाई माना तो साइन इनवर्स उधर जाकर साइन वाई हो जाएगा एक्स ठीक है तो आप माइनस टू साइन इनवर्स एक्स की जगह मैंने लिखा है वाई कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स की जगह मैंने लिखा है साइन वाई यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं कॉस इनवर्स को ले गए लेफ्ट में उधर जाके बन जाएगा कॉस कॉस माइनस टू वाई राइट में वन माइनस साइन वाई एज इट इज कॉस के अंदर कोई भी नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाता है कॉस इज एक्चुअली कॉसा

या तो साइन वाई जीरो है या तो टू साइन वाई माइनस वन जीरो अगर साइन वाई जीरो है तो ये फैक्टर और टू साइन वाई माइनस वन जीरो है तो साइन वाई हाफ ठीक है आगे साइन वाई एक्स के बराबर था अगर आपको याद होगा तो सब्सटीट्यूशन के अकॉर्डिंग साइन वाई एक्स के बराबर था तो मैं क्या करूंगा साइन वाई की जगह लिखूंगा एक्स जीरो है या एक्स हाफ है अब इन दोनों में से एक आंसर है एक्स हाफ आपका आंसर नहीं है क्योंकि ये मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप x हाफ को ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन था साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स तो मैंने x की जगह हाफ पुट करके आपको दिखाया वन माइनस हाफ माइनस हाफ आएगा जिसको आप नेगेटिव बाहर ले सकते हैं बाकी ये सब एज इट इज साइन इनवर्स हाफ साइन की वैल्यू हाफ कब आती है वो आपको पता है पाई बाय सिक्स पर आती है सो माइनस साइन इनवर्स हाफ और माइनस टू साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा माइनस थ्री साइन इनवर्स हाफ साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू पाई बाय सिक्स थ्री से सिक्स कटेगा आंसर आएगा माइनस फाइव बाई टू पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए इक्वल फाइ बाय टू के तो ये इक्वल होना चाहिए फाई बाय टू के पर सॉल्व करने पर आ रहा है माइनस फाई बाय टू तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हाफ यानी इसका सिर्फ एक ही आंसर है वो है जीरो हाफ इसका आंसर नहीं जीरो पुट करके देखिए वो सेटिस्फाई करेगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस पूरे की ठीक है तो टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस टू अब इसमें मैंने टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फार्मूला लगाया टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी जहां ऑबियसली ए है और बी एन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए आगे बढ़ते हैं एलसीएम ये एक्स प्लस वाई इस एक्स में मल्टीप्लाई ये वाई इस एक्स माइनस वाई में मल्टीप्लाई ये y इंटू एक्स प्लस वाई वन में मल्टीप्लाई और x इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर कभी लिखने की आवश्यकता नहीं है टेर इनवर्स के फार्मूलों में क्योंकि डेनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं आगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर न्यूमोरेटर क्लियर है वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डेनोमिनेटर भी क्लियर है वाई एक्स से वाई एक्स कटा वाई एक्स से वाई एक्स कटा है ना ये प्लस माइनस से कट गए ये प्लस माइनस से कट गए ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्र कटा वन टेन इनवर्स वन फाई बाई फोर आंसर आ गया तो इसी के साथ चैप्टर टू हमने कर लिया है फिनिश नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर थ्री की स्टार्टिंग थैंक यू